सवाल के साथ कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कोलकाता रेप कांड को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। उधर विपक्ष सरकार के खिलाफ धरना दे रहा है तो सरकार भी धरने पर उतर आती है, लेकिन अब मुद्दा दिल्ली दस्तक दे चुका है। तो क्या कोलकाता में जो हालात बने हैं उसके बाद बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सीबीआई फुल एक्शन में है। सीबीआई जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ, 10 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीबीआई केस को सुलझाने के अब लगभग मुहाने पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। सीबीआई जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। अब तक संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। हालांकि सीबीआई संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ कर रही है। संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन सीबीआई संदीप घोष के बयानों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब तक संदीप घोष को सीबीआई की क्लीन चिट नहीं मिली है। मामला भले ही संवेदनशील और गंभीर हो, लेकिन रेप और मर्डर केस में बंगाल की सियासत गर्म है। कोलकाता रेप कांड में बीजेपी अब न्याय की मांग को लेकर धरना कर रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एक हफ्ते में दूसरी बार शुक्रवार को गृह मंत्री से मुलाकात की और प्रदेश के हालात के बारे में जानकारी दी। तो क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी दस्तक दिल्ली तक पहुंच चुकी है? क्योंकि ममता दीदी जिस तरीके से बयानबाजी करने पर मजबूर हैं, उससे यही लगने लगा है कि ममता अब बैकफुट पर है और बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी। बंगाल के महिला जिसके ऊपर रोज अत्याचार हो रहे, उसके लिए इन लोग आवाज नहीं उठाते हैं, मुख्यमंत्री का तोशामोदी करते हैं। हम लोग गए थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखकर आ गए, डेथ सर्टिफिकेट दे दिए और 3 दिन बाद इनका जो श्राद्ध होता है ना, वो श्राद्ध का क्रियाकर्म होगा। आप सबको हमको हमारा तरफ से इनविटेशन है। ये सुनियोजित तरीके से सोच समझ के सारे छानबीन में गड़बड़ी करते हुए मुद्दा को टालने का कोशिश किए गए, जिसके चलते आज तक हमें यह नहीं पता चली कि असली अपराधी कौन है। बीजेपी के हमले देख ममता दीदी अब बौखलाई नजर आ रही हैं। पहले आग लगवाने वाले बयान दिए और अब कहा कि बंगाल जला तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेगा। अब सीएम ममता ने बाहरी कार्ड खेला है और कहा बंगाल में रहने वाले बाहरी लोग ढंग से रहें, बाहरी लोगों ने ही हिंसा फैलाने की कोशिश की है, बंगाल में नुकसान करने पर आपको जवाब मिलेगा, अगर पुलिस से भिड़े तो आप भी तैयार रहें। बहरहाल डॉक्टर बेटी रेप मर्डर केस में ममता सरकार के एक्शन और दीदी के देश विरोधी बोल के खिलाफ प्रदर्शन का आक्रोश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में भी मौजूद भारतीयों ने अपने स्वर को बुलंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लगातार सियासत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ न्याय की गुहार लगाई जा रही है और कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कार्रवाई कहां तक पहुंची। सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें जिस पर भी शक हुआ उनका टेस्ट कराया गया, यानी जिन 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उन पर शक था। केस से जुड़े 20% लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट अभी तक हो चुका है, यानी 20% लोग पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजर चुके हैं। सीबीआई जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती और इसीलिए लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। सीबीआई दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स की भी लगातार मदद ले रही है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट पर एम्स पर की तरफ से भी रिपोर्ट मांगी गई है, राय मांगी गई है। इससे यह साफ होगा कि डॉक्टर का रेप हुआ है या फिर गैंगरेप।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हेमंता नाम एक्शन काम। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? दरअसल देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे राजनीतिक पारा जो है वो जबरदस्त तरीके से हाई देखने को मिल रहा है। अब एक और फैसला सीएम की तरफ से लिया गया है जिसमें ये कहा गया है, ये बताया गया है कि 2 घंटे के लिए जो ब्रेक नमाज के लिए मिलता था उसे खत्म कर दिया गया है। अब इस फैसले के बाद किस तरीके से सियासत हो रही है, हाई तौबा किस तरीके से मची हुई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। इसको इस्लामोफोबिया मुसलमानोफोबिया हो गया है। जो भी हमने उस सीट समझा वो हम कर दिया है। अपनी सीधी बात, बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए देश भर में चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आज फिर से चर्चा में है। असम विधानसभा ने दशकों से चले आ रहे नमाज ब्रेक को अब बंद कर दिया है। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूँ काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। यानी असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए नियम को खत्म कर दिया है। एक और सेकुलर संविधान की बात करते हैं तो वहीं सेकुलर विधान का विरोध करते हैं। जब संविधान सेकुलर है, न्याय व्यवस्था सेकुलर है और विधानसभा में आप सेकुलरिज्म का राग अड़ाते हो तो आखिरकार ये कम्युनल काम क्यों? साधुवाद विधानसभा को और मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को किस तरह का एक निर्णय लिया? असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा जी को मैं बहुत बहुत बधाई मंगल कामना करता हूँ। जिस प्रकार से वहाँ विधानसभा में जो जुम्मा ब्रेक 2 घंटे का होता था वो ख़त्म हो गया, निश्चित रूप से पूरे असम की विधानसभा बधाई के पात्र है। नमाज ब्रेक खत्म करने के लिए हेमंता के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। हेमंता सरकार के फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की।